नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों चलिए आज हम लोग बीएससी फाइनल का रीमान समाकल, रीमान इंट्रीगल रियल एनालिसिस में शुरुआत करते हैं। बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं रीमान समाकल। तो यहां पर क्या बताने वाले हैं आपको, आपको मालूम होगा, यहां हम बताएंगे कि किसी स्वेच्छ परिबद्ध फलन के एक संवृत परिबद्ध अंतराल में हम लोग ऊपरी और निम्न रीमान समाकल को पहले क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे, और यदि ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, तो हम इसके उभयनिष्ठ मान को ही यहां पर हम क्या कहते हैं, रीमान समाकल कहते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रीमान समाकल। तो रीमान समाकलन को देखने के पहले आपको कुछ अंतराल के बारे में भी जानना होगा। ये अंतराल आप जानते होंगे, है ना, क्या क्या अंतराल होता है आपके पास, देखिएगा। सबसे पहले बताता हूं, यहां पर ये हम जानते हैं संवृत अंतराल, इसको हम क्या कहते हैं, बंद समाकल, क्लोज्ड इंटरवल, ये आप जानते हो, थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। ये देखिए कैपिटल ब्रैकेट में इसको राइट करते हैं, इसका मतलब होता है कि ए और बी भी शामिल है और इनके बीच का एलिमेंट भी, इसके बीच का अवयव भी शामिल है। इसका मतलब होता है ए इज लेस देन इक्वल देन एक्स इज लेस देन इक्वल देन बी, ये हो गया, इसको हम कहते हैं संवृत अंतराल, ठीक है। और एक होता है विवृत अंतराल, जिसको कि हम खुला अंतराल भी कहते हैं, ये देखिएगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये देखिए। तो यहां पर ओपन इंटरवल क्या हो रहा है, देखो ऐसा भी राइट करेंगे, देखिएगा, है ना, जो कैपिटल ब्रैकेट को उल्टा कर देंगे देखो, या फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में भी इसको राइट करते हैं। इसका मतलब होता है ए और बी शामिल नहीं होता, ए और बी कंटेन नहीं होता प्यारे बच्चों, तो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन कितना, बी, याद रखिएगा। तो ये होता है अंतराल, और इसी में है ना संवृत विवृत, विवृत संवृत, ये सब के बारे में आप जानते हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ये अंतराल के बारे में, तो आपको जानकारी मिल गया, अब देखेंगे हम लोग विभाजन, पार्टीशन, देखिएगा। यदि I इज इक्वल ए बी आर में एक संवृत अंतराल है, तब आई का एक विभाजन, आई का एक विभाजन आई में परिमित क्रमित समुच्चय इस प्रकार है, कैसा लेते हैं इसको, इसको लिया जाता है P इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन, जो इस प्रकार है कि A इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डेजिस एंड सोन एक्स एन इज इक्वल कितना, बी। यानी हमने क्या किया, ए और बी को है ना छोटे छोटे अंतरालों में क्या किया, विभाजित किया, है ना, ए इज इक्वल एक्स नॉट इज लेस देन एक्स वन इज लेस देन एक्स टू इज लेस देन एक्स एन इज इक्वल कितना, बी, तथा
ये देखो इन दोनों के बीच अभी मैं पार्टीशन करके दिखाऊंगा, एक्स नॉट एक्स वन एक उपअंतराल बना, दूसरा क्या बना एक्स वन एक्स टू, वैसे ही यहां पर बनेगा एक्स आर माइनस वन एक्स आर डेज डिस एंड सो वन, यहां पर बनेगा एक्स एन माइनस वन एक्स एन। ये सभी अंतराल ए बी के, ये सभी अंतराल ए बी के उप अंतराल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि मैं इसी को ग्राफिकल बताऊं तो समझिए हमारे पास ये क्या हो गया एक्स नॉट, जिसको कि हम ए ले रहे हैं, इसको आप मान लीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डेज डिस एंड सो वन, एक्स आर माइनस वन एक्स आर डेज डिस एंड सो वन, ये देखिएगा एक्स एन माइनस वन, और ये हमारे पास एक्स एन हुआ और यही एक्स एन बी हुआ। यानी आपके पास एक्स नॉट इज इक्वल ए हुआ और एक्स एन इज इक्वल बी हुआ। आपने संवृत्त अंतराल ए बी को क्या किया, इन छोटे छोटे उप अंतरालों में विभाजित किया, तो पी इज इक्वल एक्स नॉट, मतलब हमेशा याद रखना एक्स नॉट एक्स जीरो ए होगा और एक्स एन बी होगा, पी इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन डेज डिस एंड सो वन एक्स एन, यही अंतराल ए बी का विभाजन कहलाता है, ठीक है। और इसके उप अंतराल की लंबाई, उप अंतराल ये देखिएगा उप अंतराल के लंबाई को ये देखिए डेल आर या फिर डेल एक्स आर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर ये देखिए डेल आर लंबाई बोल रहे हैं या डेल एक्स आर बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों एक्स आर माइनस कितना, सॉरी इसका मतलब है एक्स आर माइनस वन। यानी आपको जो उपअंतराल मिला है, क्या मिला है आर माइनस वन एक्स आर, तो इसकी लंबाई आप क्या निकालोगे एक्स आर माइनस वन, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे हम ऊपरी रिमान योग और निम्न निमान योग पढ़ेंगे, उसमें आपको ये पूरा बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे विभाजन का मानक या जलाभी, इसको क्या बोलते हैं नॉर्म आर मेस ऑफ ए पार्टीशन, नॉर्म आर मेस ऑफ ए पार्टीशन। अंतराल ए बी के विभाजन पी इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डेज डिस एंड सो वन एक्स एन का मानक या जलाभी उस उपअंतराल की लंबाई है जो कि समस्त उपअंतरालों में सबसे बड़ा है। देखिए बच्चों हम लोग पार्टीशन किए उपअंतराल में डिवाइड किए और हमने चेक किया कि इस उपअंतराल में सबसे बड़ा उपअंतराल कौन है, जो सबसे बड़ा उपअंतराल होगा वही
इस पार्टीशन का, इस विभाजन का मानक या जलाभि कहलाएगा। और हम मानक या जलाभि को म्यू पी या फिर केवल पी से है ना राइट करते हैं। मानक या जलाभि, मानक या जलाभि को म्यू पी या ये देखिए इस तरीके से पी, इसको हम कहेंगे मानक या जलाभि से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब आपके पास मानक या जलाभि क्या आया, म्यू पी या इसको हम जलाभि पी या माना है ना मानक पी कहेंगे, मैक्सिमम है ना, ये क्या होगा समस्त उपअंतराल की लंबाई है मैक्सिमम, इसको हम डेल एक्स आर या फिर मैक्सिमम डेल आर किससे प्रदर्शित करना चाहते हो वो आपके ऊपर है, डेजेस एंड सो ऑन। तो यही है ना विभाजन का मानक या जलाभि है। आपको मालूम है आपने विभाजन किया है, अर्थात आपके पास जो संवृत अंतराल ए बी था उसको बहुत सारे उपअंतरालों में आपने विभाजित किया, और हम देखें कि प्रत्येक उपअंतराल की लंबाई कितनी है, और इन लंबाइयों में सबसे बड़ा जो होगा लंबाई हम उसी को क्या कहेंगे, विभाजन का मानक या जलाभि कहेंगे। समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे अधिशोधन, अधिशोधन या सूक्ष्मतर विभाजन, रिफाइनमेंट पार्टीशन। तो बच्चों देखते हैं, यदि हमारे पास P इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन डेजिस एंड सो ऑन एक्स एन तथा Q इज इक्वल वाई नॉट वाई वन डेजिस एंड सो ऑन वाई एन, अंतराल AB के दो विभाजन है, देखिए दो भाग में विभाजित कर दिया, तब Q P का सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है। कब कहलाता है, यदि XR, XR मतलब हो गया X1 X2 डेजेस एंड सो ऑन बिलोंग्स टू P इंप्लाइज XR बिलोंग्स टू Q। कहने का मतलब क्या समझे कि P का जितना अवयव है वह Q का भी अवयव होना चाहिए, P का जितना भी एलिमेंट है वह Q का भी एलिमेंट होना चाहिए, तब हम ऐसे परिस्थिति में हम Q को P का सूक्ष्मतर विभाजन कहेंगे और इसको राइट करेंगे। आपको मालूम होगा सबसेट उपसमुच्चय कैसे राइट करते हो, यानी जो अवयव P में है वही अवयव Q में है, तो P सबसेट Q राइट करेंगे। यदि आप ऐसा राइट कर लेते हो P सबसेट Q, तो Q P का क्या कहलाएगा, सूक्ष्मतर विभाजन कहलाएगा। आपने विभाजन किया उसके अंदर और विभाजन हो गया क्योंकि उसका एलिमेंट उसके अंदर आ गया, यह होता है सूक्ष्मतर विभाजन, अधिशोधन रिफाइनमेंट। इसी में आपको जानकारी और रखना है कि यदि आपके पास ये सब आगे थ्योरम में हम लोग यूज करेंगे P1 और P2, ये देखिए अंतराल AB के दो विभाजन है, अंतराल AB के दो विभाजन है, तब हम इसको क्या राइट करेंगे, P P1 यूनियन P2। भाई आपको मालूम है अभी आपने देखा P और Q देखा कि P का एलिमेंट Q में है, वैसे यहां पर भी है दो विभाजन, P1 का एलिमेंट P2 में होगा, है ना। तो इस ढंग से जब है
तो दोनों को मिलाएंगे तभी तो कंप्लीट पी पाएंगे, पार्टीशन पाएंगे। तो पी इज इक्वल पी वन यूनियन पी टू, जहां पी वन और पी टू सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है। तो इसको आपको थ्योरम के लिए, आगे थ्योरम के लिए जानकारी रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा पार्टीशन, विभाजन, इसके बाद आपने देखा है ना अधिशोधन, सूक्ष्मधर विभाजन और विभाजन का मानक या जलाभी। तो आपने अंतराल ए बी को P इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डिस्टेंस वन एक्स एन में विभाजित किया, जो बहुत सारे उपअंतराल बना, और आपने कहा कि इन उपअंतरालों की जो लंबाई है, जो सबसे बड़ा लंबाई वाला होगा उपअंतराल, हम उसको, उस उपअंतराल को क्या कहेंगे यहां पर, उस उपअंतराल को कहेंगे प्यारे बच्चों मानक या जलाभी, ठीक है। क्या कहेंगे? मानक या जलाभी। और इसके बाद हमने देखा कि यदि इसी पी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, पी और क्यू, तो क्यू पी का सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है। आपने और यहां पर देखा कि यदि आपके पास P1 और P2 दो विभाजन हैं, तो आप राइट कर सकते हो P is equal P1 union P2, और यही P1 और P2 क्या कहलाता है? सूक्ष्मतर विभाजन कहलाता है, ठीक। बिल्कुल इतना ही याद रखना है आपको। तो बच्चों चलिए अब हम लोग देखेंगे ऊपरी तथा निम्न रिमान योग, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, ऊपरी या निम्न डार्बू योग, अपर एंड लोअर रिमान सम, अपर एंड लोअर डार्बोक्स सम, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके पास क्या है। देखो मान लो एप सच दैट आई टेंस टू आर, आई में एक क्या है, परिबद्ध फलन है, एक परिबद्ध फलन है, तथा मान लो P इज इक्वल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डेजिशन स्वान एक्स एन, आई का एक विभाजन है। ये देखो बच्चों आई का क्या है, एक विभाजन, विभाजन आपने देखा है, विभाजन है, और साथ में इस अंतराल की लंबाई डेल एक्स आर इज इक्वल कितना है, एक्स आर माइनस कितना, एक्स आर माइनस कितना, वन, ठीक है। तब आर इज इक्वल वन टू थ्री डेजेशन सो वन, एन के लिए यहां पर हम लेते हैं, ये देखो एम आर इज इक्वल इनफिमम एफ एक्स सच दैट, इसको ले सकते हैं x बिलोंग्स टू कितना, डेल x r या डेल r जो लेना चाहे। अब देखो इनफिमम और सुप्रीमम ये होता क्या है, उच्चक और निम्नक। बच्चों मैंने इसके पहले भी और कहीं पर आपको बताया होगा, जैसे कि कोई फलन परिबद्ध है, अंतराल ए बी परिबद्ध है समझो, तो उसके अंदर ऊपरी परिबद्ध है और निम्न परिबद्ध दोनों है। अब देखिए निम्न परिबंधों बंधों की संख्या, निम्न परिबंधों की संख्या देखेंगे, और इस निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इनफिमम कहेंगे, निम्नक कहेंगे, और ऊपरी परिबंध देखेंगे हम लोग। ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा होगा, देखिए जस्ट उल्टा हो रहा है, ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा होगा हम उसे उच्चक कहेंगे। बिल्कुल ये परिभाषा दिमाग में बैठा लीजिए। निम्न परिबंधों में देखो निम्न परिबंध क्या होता है, एक बार आपको बता देता हूं, यदि आपके पास एफ एक्स है ना, तो ऐसा होता है ये ग्रेटर होगा और ये स्मॉल, ये एम निम्न परिबंध है, और इन्हीं निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा होगा, मान लो मैं निम्न कहूंगा यानी एम का निम्नक क्या बनाऊंगा मैं, ये देखो कैपिटल एम राइट करूंगा, मैं इस कैपिटल एम को निम्नक कह रहा हूं, तो उधर उसको क्या करूंगा, ग्रेटर बताऊंगा, क्योंकि पूरे निम्न परिबंधों में सबसे बड़ा
निम्नाक होगा, इनफीमम होगा प्यारे बच्चों। और वही हम उच्चक की बात करेंगे तो उच्चक के लिए पहले क्या होना चाहिए, ऊपरी परिबंध होना चाहिए। और ऊपरी परिबंधों में जो सबसे छोटा होगा हम उसी को क्या कहेंगे, उच्चक कहेंगे, ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा। ठीक है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूं मैं इसको, तो बस इसी ढंग से परिभाषित करना है। यहां पर हमने क्या माना, देखो यह हमारे पास एफ एक्स है, इनमें से इस अंतराल ए बी में परिबद्ध है, यह हमने निम्न परिबंध माना, और निम्न परिबंधों में जो सबसे बड़ा हुआ उसी को हम यहां पर निम्नक ले लिए, यानी एम आर क्या हुआ, निम्नक, तथा कैपिटल एम आर को हमने क्या लिया, उच्चक लिया। तो इसको उच्चक के लिए क्या लेंगे, सुप्रीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कितना, डेल एक्स आर, याद रखिएगा। तब निम्न रिमान योग क्या होगा, निम्न रिमान योग ये होगा बच्चों, इसको हम लोग लेते हैं, राइट करते हैं, एलपीएफ इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल वन टू एन, यहां पर स्मॉल एम आर, और ये राइट करेंगे डेल एक्स आर। हम इसी को याद रखिएगा, आर इज इक्वल वन टू एन स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस वन राइट कर सकते हैं। और ऊपरी रिमान योग, ऊपरी रिमान योग क्या होगा, इसी के बेस पर हम इसको राइट कर सकते हैं, यूपीएफ इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल वन टू एन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, ये समेशन आर इज इक्वल वन टू एन कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस कितना, एक्स आर माइनस वन। तो बच्चों यही ऊपरी और निम्न रिमान सम है ना, योग है, इसी को हम ऊपरी या निम्न डार्बो योग के नाम से हम लोग जानते हैं, डार्बोक्स सम के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और दूसरी चीज और याद रखिए, हमेशा निम्न रिमान योग क्या होता है, ऊपरी रिमान योग से छोटा या बराबर होता है, यह हमेशा याद रखिएगा, आगे थ्योरम में भी इसका यूज करेंगे। ठीक, तो बस आपको क्या याद रखना है, आई इज इक्वल ए बी है ना, एक परिबद्ध अंतराल है, हमने इसका क्या किया, विभाजन किया। विभाजन करने के बाद आपको मालूम विभाजन है मतलब उप अंतराल में विभक्त होगा, आपने डेल एक्स आर उसकी लंबाई मान लिया एक्स आर माइनस वन, और उसमें हमने उच्चक और निम्नक की कल्पना किया, उच्चक और निम्नक माना, सपोज किया कि स्मॉल एम आर को हमने निम्नक माना, इनफीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डेल एक्स आर, और सुप्रीमम कैपिटल एम आर, एम आर इज इक्वल कैपिटल एम आर इज इक्वल सुप्रीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डेल एक्स आर, यानी जितना भी ऊपरी परिबंध था उनमें सबसे छोटे को हमने क्या मान लिया, उच्चक मान लिया, और इन्हीं से हम ऊपरी और निम्न रिमान योग, डार्बो योग प्राप्त किया, एल पी एफ इज इक्वल समीशन आर इज इक्वल वन टू एन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, यू पी एफ इज इक्वल समीशन आर इज इक्वल वन टू एन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, ये दोनों को याद रखना है और यही आगे काम आपको आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए बच्चों ये थ्योरम देखते हैं हम लोग, क्या दिया है थ्योरम, यदि एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर परिबद्ध है तथा पी ए बी का कोई विभाजन है तब एल पी एफ इज लेस देन इक्वल देन यू पी एफ, माने एल पी एफ क्या हो गया, निम्न रिमान योग, और यू पी एफ क्या हो गया, ऊपरी रिमान योग। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो, मान लो हमको दिया है, देखो मान लो एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर क्या है, एक परिबद्ध
फलन है। अब समझिए, परिबद्ध कह दिए तो उसके अंदर ऊपरी परिबद्ध, निम्न परिबद्ध, ऊपरी परिबंध, निम्न परिबंध, उच्चक निम्नक सब इसके अंदर है। तो एक परिबद्ध फलन है तथा P इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा, A x नॉट x वन डेज डेस एंड सो ऑन x n b, यानी पहला वैल्यू अपने x नॉट है और लास्ट वाला x n है। P इज इक्वल x नॉट x वन x टू x n अंतराल ए बी का कोई विभाजन है। चूंकि ए बी क्या है, यानी एप क्या है, परिबद्ध है, ठीक है ना, अंतराल ए बी में, अतः यह इसके समस्त उपअंतराल में भी परिबद्ध होगा, ठीक है। चूंकि एप अंतराल ए बी में परिबद्ध है, अतः समस्त उपअंतराल में भी, समस्त उपअंतराल में भी परिबद्ध होगा। अब हम परिबद्ध है तो क्या मान करके चलते हैं, मान लो स्मॉल एम आर व कैपिटल एम आर क्रमशः उपअंतराल एक्स आर, एक्स आर माइनस वन में एफ एक्स के निम्नक व उच्चक है, तब हम इसको राइट करेंगे स्मॉल एम आर इज इक्वल इनफीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डेल एक्स आर तथा कैपिटल एम आर इज इक्वल सुप्रीमम एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डेल एक्स आर, तब ऊपरी रिमान और निम्न रिमान योग LPF क्या राइट करेंगे, समेशन आर इज इक्वल वन टू एन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, और UPF क्या राइट करेंगे, समेशन आर इज इक्वल वन टू एन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, चूंकि आप जानते हो स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर, क्योंकि ये क्या है, निम्न परिबद्ध, और निम्न परिबद्ध बनने के बाद क्या बना, निम्नक बना, ये ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध बनने के बाद उच्चक बना, तो पहले तो निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध की बात करेंगे, तो स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर। अब दोनों पक्षों में, इधर भी और इधर भी, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, इधर भी समेशन आर इज इक्वल वन टू एन डेल एक्स आर लगा देते हैं, और इधर भी समेशन आर इज इक्वल वन टू एन डेल एक्स आर लगा देते हैं। बच्चों ये देखिएगा, ये डेल एक्स आर, अब यहां पर आपके पास देखो, इसको मान लो समीकरण नंबर एक और इसको मान लो दो, समीकरण एक व दो से क्या राइट करोगे डायरेक्टली, एक व दो से ये आपके पास एलपीएफ है और लेस देन इक्वल देन ये कौन है यूपीएफ, तो बस इस ढंग से आपको क्या करना है, याद रखना है और बनाना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। ये देखो आपको मालूम है स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल देन कैपिटल एम आर, और इस तरीके से आपने पाया समेशन आर इज इक्वल वन टू एन एम आर डेल एक्स आर इज लेस देन इक्वल देन समेशन आर इज इक्वल वन टू एन कैपिटल एम आर डेल एक्स आर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये थ्योरम आपको समझ में आया होगा, उच्चक निम्नक समझ में आया होगा, ठीक है, और इसी कंसेप्ट को आगे वीडियो लेक्चर में हम यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो यह वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप डेफिनेशन को दिमाग में रखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल दिमाग में रखिए पार्टीशन क्या है, है ना, और केवल याद किसको रखना है आपको, ऊपरी रिमान योग और निम्न रिमान योग, यानी LPF इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल वन टू एन स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, और यूपीएफ इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल वन टू एन कैपिटल एम आर
डेलेक्सार, बस इन दोनों को याद रखिए, बाकी तो नॉर्मल आपको जानकारी है, यूज करना है ऐसा होता है मतलब होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से यूज कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है मेरा यह क्लास आपको पसंद आएगा, 100% पसंद आएगा, और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।